ऑप्शन भी उसी टाइप का है, 6 नंबर। सिंपल इसमें आपके पास दिया इंटीग्रेशन ऑफ एक्स प्लस टू रूट अंडर एक्स माइनस थ्री डी एक्स, हमें क्या पुट करना होगा, पुट एक्स माइनस थ्री बराबर में टी। तो यहाँ से बताओ तो एक्स का वैल्यू क्या होगा, टी प्लस थ्री ना, ये जाके उधर जुड़ जाएगा। चलिए इसे डिफ्रेंशिएट करते हैं विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, तो यहाँ से वन और डी टी बटा में डी एक्स इधर आ गया, तो यहाँ से डी एक्स बराबर में डी टी हो जाएगा। ठीक है, अब चलो यहाँ पे, यहाँ से हम लोग एक्स का वैल्यू रखते हैं, तो एक्स का वैल्यू क्या होगा, टी प्लस थ्री, टी प्लस थ्री और प्लस में आपका क्या है टू, और इसे हमने माना था टी, तो हो जाएगा रूट टी डी टी। चलिए यहाँ पे हो जाएगा टी प्लस में फाइव, ठीक है, और इसे टी का पावर वन बाई टू कर सकते हैं ना डी टी, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल नहीं है। चलिए अब देखते हैं इसमें इंटू कर देते हैं, तो टी का पावर थ्री बाई टू प्लस फाइव टी का पावर वन बाई टू डी टी। अब इसका समाकल निकाल दो, पावर में एक जोड़ोगे तो फाइव बाई टू और पावर नीचे उतर जाएगा, प्लस फाइव पावर में एक जोड़ोगे तो थ्री बाई टू और पावर नीचे उतर जाएगा प्लस में, ये ना होगा अब आपका। चलिए आगे देखते हैं, ठीक है, तो एक काम करते हैं, यह पलट जाएगा ना, तो हो जाएगा टू बाई फाइव टी का पावर फाइव बाई टू प्लस, ये जाके इसमें गुना करेगा तो पाँच दूना दस बट्टा तीन टी का पावर थ्री बाई टू प्लस सी, यही ना होगा आपका। चलिए क्या कॉमन है, टू टी का पावर थ्री बाई टू कॉमन कर सकते हैं, टू टी का पावर थ्री बाई टू कॉमन कर सकते हैं, तो यहाँ पे क्या बचेगा, टी बचेगा और नीचे फाइव प्लस, यहाँ पे फाइव और बट्टा में थ्री सिर्फ बचेगा, ये तो निकल चुका ना प्लस में सी, अंदर एलसीएम ले लिया जाए। चलिए टू टी का पावर थ्री बाई टू, अंदर एलसीएम होगा आपका पंद्रह ना, इसमें से भाग करेंगे तीन थ्री टी और प्लस इसमें से भाग करेंगे तो पाँच पचास पच्चीस हो जाएगा। चलिए तो ये पंद्रह यहाँ कर देते हैं, तो हो जाएगा दो बट्टा पंद्रह टी का पावर थ्री बाई टू और इंटू में थ्री टी प्लस में पच्चीस प्लस सी। अब जो टी का वैल्यू है उसको रख देते हैं, टी का वैल्यू एक्स माइनस थ्री है, एक्स माइनस थ्री यहाँ पे रख देते हैं, तो दो बट्टा पंद्रह एक्स माइनस थ्री का पावर थ्री बाई टू और ब्रैकेट के अंदर थ्री इंटू एक्स माइनस थ्री प्लस में पच्चीस प्लस, समझ गया ना, एक्स माइनस थ्री रख दिया, दो बट्टा पंद्रह एक्स माइनस तीन का पावर थ्री बाई टू, अच्छा अंदर हो जाएगा नाइन, यहाँ माइनस का नाइन होगा प्लस का पच्चीस, ये थ्री एक्स है, ध्यान से देखो, ये थ्री एक्स, ये थ्री थ्री जा नाइन, माइनस का नाइन और प्लस का पच्चीस है, तो प्लस का सोलह हो जाएगा ना सीधे, और प्लस में सी आपका आंसर हो जाएगा, समझ गया। तो मुझे नहीं लगता है कि अभी सेवन नंबर भी आपको बनाने में दिक्कत होगी, टू एक्स प्लस थ्री को टी मान के बनाना है, मैं एट नंबर